हेलो हेलो गाइस, कैसे हो सबके सब? आई होप आप सभी होंगे। आप सभी का स्वागत है यार मेरे चैनल पर। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी मेरा वर्जन देख सकते हो, मैंने माइनक्राफ्ट को अपडेट कर लिया है। यह है 1.19.0.05। ओके, ये स्टेबल वर्जन है। सो गाइस, आज का दिन काफ़ी अच्छा है एंड खुशी मनाने का दिन है, बिकॉज हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्लाइंट, उसका नाम है बैटर बेडरॉक, इसका नया वर्जन आ चुका है, वर्जन 4। काफ़ी बड़ा क्लाइंट है, एक टेक्सचर ऐड किया गया है इसमें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला आप सभी को इस क्लाइंट को यूज़ करने में। एंड मेरे को काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे जो 1.19 है, इसके अंदर एडवांस प्ले करके दिखाओ, मतलब जो पुराने एडवांस है फिर जो 1.18 के लिए बने, आई थिंक उससे भी नीचे वाले, क्या वो इसमें चल रहे हैं। सो गाइस, आज का क्लाइंट हम देखने वाले हैं कि इसमें चलता है या नहीं चलता है। अबे देख लेंगे यार, तो मैंने साइन इन किया नहीं इसमें, तो यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, सेटिंग बटन पे क्लिक करते हैं, जाएंगे सेटिंग में। यहाँ से मैं इसको ग्लोबली अप्लाई करने वाला हूँ। अभी देख सकते हो गाइस, ये है बैटर बेडरॉक एंड इसकी साइज़ देख सकते हो। वैसे बोला जा रहा है ये लाइट है वर्जन, लाइट एडिशन। भाई जब ये लाइट है तो फुल वर्जन क्या पता कितना बड़ा होगा यार। यह 54 MB का, काफ़ी बड़ा यार, एक क्लाइंट के तौर पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सच में। तो यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया, अब करते हैं बैक। ओके, तो इसमें टेक्सचर ऐड किया गया, आई थिंक जब जितना मुझे पता चला है कि मतलब टेक्सचर पैक ऐड किया गया है। सो गाइस, ये ऐसा दिखता है एंड ये सच में कमाल का क्लाइंट है, एंड जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ मुझे ये पसंद आता है, एंड मतलब पसंद आता है भाई। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी थी उस टाइम जब मैंने इसका रिव्यू किया था, एंड मैंने एक दोबारा इसको प्ले करके भी देखा है। तो यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है अपना डिस्कॉर्ड सर्वर का भाई, तो उनका डिस्कॉर्ड सर्वर आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, आई थिंक मुझे लिंक मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सभी को कुछ ऐसा दिखने वाला है, एंड ऑप्शंस यानी आप सभी की सेटिंग है, तो अगर आप सभी ऑप्शंस पे क्लिक करते हो तो आप पहुँच जाओगे सेटिंग पे। तो इसको किसने बनाया देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें नाम दिए गए हैं, एंड यूट्यूब चैनल का भी नाम दिया गया है, डिस्कॉर्ड का यहाँ पे यूजर नेम है, तो यहाँ पे आप सभी डिस्कॉर्ड पे भी इनको फॉलो कर सकते हो जाके। एंड इनमें बताया गया कि आप सभी को कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं वो हम देखेंगे, बट सेटिंग को आप सभी देखो, क्या एक गज़ब लग रही है भाई, लुक देखो आप सभी एक बार, एकदम ओपी लेवल में जा रहा है। तो यहाँ से हम प्ले करेंगे वर्ल्ड, इसमें मैं वर्ल्ड में जाके इसको एक बार और अप्लाई करना चाहता हूँ, बिकॉज कभी कभी अप्लाई होता नहीं है। तो यहाँ पर रिसोर्स पैक्स ऊपर की तरफ कर दिए गए हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं एक बार इसको अप्लाई, एंड यहाँ से प्ले बटन पर क्लिक करते हैं। तो इसकी लोडिंग स्क्रीन कुछ ऐसी है, सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए होने वाला है इसका टेक्सचर देखना। देखते हैं टेक्सचर इसमें काम करता है या नहीं करता, मतलब 1.19 में आई थिंक कुछ भी हो सकता है भाई, काम न करे ना करे, ग्लिच हो जाए, आई डोंट नो। मैंने इसको प्ले करके नहीं देखा, मैं आप सभी के सामने इसको प्ले कर रहा हूँ। तो लोडिंग आई थिंक कम्प्लीट हो गई, हमारा वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। सो मैं आ गया हूँ वर्ल्ड में, एंड यार टेक्सचर तो मेरे को नहीं दिख रहा कोई, आई थिंक बोला जा रहा था वैसे कुछ टेक्सचर नहीं दिख रहा मुझे। सो यहाँ से मैं जाऊँगा ऑप्शंस पे, यार इतना टेक्सचर है लेकिन पता है यार जो नया वर्जन आया है ये कुछ भी कर सकता है भाई। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, मेरा गेम ऑप्शन किधर है यार, ओके यहाँ पे नीचे वाले, नीचे की तरफ कर दिया। ओके, अपन जाएंगे टच में, एंड यहाँ से सबसे पहले हम ऑन करेंगे यहाँ पे स्प्लिट। ओके, स्प्लिट कौन सा है भाई, भाई स्प्लिट कंट्रोल्स को किधर कर दिया भाई। ओके, डिस्ट्रॉय ब्लॉक्स को ऑफ करो, एंड ओके आई थिंक ये है स्प्लिट, एंड बटन साइज ऊपर की तरफ कर दिया, अपन करते हैं इसको ठीक है। तुम्हारा काम हो चुका है, हमने सेटअप कर लिया है, एंड आई थिंक नहीं है इसमें टेक्सचर, तो मेरे को सेम वैसा ही दिख रहा है। तो जो नया वर्जन है आई थिंक इसने टेक्सचर को अप्लाई होने ही नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे तो टेक्सचर यहाँ पर नहीं दिख रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत इसके फीचर्स के बारे में, आप सभी को काफ़ी सारे फीचर्स देखो, आप ऊपर हाइड है चोटी तो क्लिक करने से बटन हाइड कर सकते हो। ओके, डीबग मेन्यू है तो सारा डीबग आप सभी को यहीं पे दिख जाता है, सारे फीचर्स है उसके यहीं पे आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा फीचर यार, दो बटन्स तो इतने गजब के ऐड किए गए कि क्या बोलो उसके लिए। तो यहाँ पर नीचे मेन्यू आ रहा है कुछ, आई थिंक इस पर क्लिक करने से तो कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पर आप सभी को वो दिखाई दिया, ये क्या है भाई, मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मैं आ गया ऊपर। एंड अब यहाँ पर देखते हैं, वैसे इस वर्ल्ड को सबसे पहले हम करते हैं क्रिएटिव मोड में, यहाँ पे जाएंगे एंड सर्वाइवल से क्रिएटिव ठीक है, एंड यहाँ पर ये बटन हाइड कैसे करोगे भाई। तो यहाँ पर मैं आ गया, एंड यहाँ पर भी अब काफ़ी सारी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे ये अपन को नहीं मिलता है इसमें, आई थिंक ये ठीक से अप्लाई हुआ है नहीं, मेरे को अगर ये ठीक से अप्लाई होगा तभी पता चलेगा। ओके, ठीक से अप्लाई है,
देखो इसमें देख सकते हो पम्पकिन का पूरा इफेक्ट मिल रहा है। आई थिंक इसमें आधे फीचर ही आप सभी को शो होने वाले हैं, बिकॉज नया वर्जन है, नया वर्जन कुछ भी कर सकता है भाई। या फिर आप हाइड कैसे हो जाते हैं यार, मैं तो वहीं पर क्लिक भी नहीं करता। ओके तो भाई इसको क्लिक करने से वो भी क्लिक होता है आई थिंक, हो सकता है भाई। तो यहाँ पे ये क्या है भाई? ओके रिकवरी कंपास, आई थिंक कुछ नया ऐड किया गया इसमें, एंड आई डोंट नो ये किसकी तरफ से है। तो यहाँ पर हम अब चलते हैं चैट में। ओके तो चैट में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप सभी चैट को रिपीट कर सकते हो, दोबारा चैट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर मिल जाती है। तो हम जाएंगे ऑप्शंस में एंड यहाँ पर इनके इसके बारे में देख लेते थोड़ी बहुत। अबाउट में आप आओगे तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, देख सकते हो बेटर बेडरॉक इज अ टेक्सचर पैक ओके दैट इन्हेंस योर गेम प्ले एक्सपीरियंस बाय अपग्रेडिंग विजुअल इफेक्ट्स एंड मेकिंग द गेम मोर कम्फर्टेबल। ओके तो यहाँ पर टेक्सचर पैक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, आई थिंक नए वर्जन में नहीं चल रहा होगा, मुझे नहीं पता, एंड अभी एक बार और देखूंगा मैं। ओके क्लाइंट सपोर्ट है यहाँ पर, एंड इसमें अपकमिंग जो फीचर्स है ना वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं कि कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो आप यहाँ पर भी आके पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे क्रेडिट्स भी है थोड़े बहुत, स्पेशल थैंक्स भी आई थिंक दिया गया है यहाँ पर। तो ये इसके फीचर्स है एंड इतने सारे फीचर्स आप सभी को इसमें मिलते हैं। तो बाकी इसके अलावा कैप मिलती है एंड ऊपर बैटर बैड्रो क्लाइंट नाम लिखा भाई। एंड यहाँ पर छोटा सा आप सभी को कुछ दिख रहा होगा, देखिए तो अगर मैं इसको हाइड करता हूँ ना तो वो सारा हाइड हो जाता है, बट यहाँ पर आप सभी को देख सकते हो क्लॉक एंड कंपास भी आप सभी को दिख रहा है छोटा सा। एंड ये अच्छा यार डीबग स्क्रीन, आई थिंक ये बहुत अच्छा भाई डीबग स्क्रीन में दिया गया, ये तो कमाल कर दिया इसने। तो बाकी सारे छोटे मोटे फीचर्स आप सभी को मिल जाते, बट एक और चीज़ मैं आप सभी को दिखाना चाहता था, वो है यार वो क्या है, वो था टेक्सचर। एंड वो टेक्सचर इसमें अपन को शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज मैं क्या कर सकता हूँ भाई, नए वर्जन में एंड पुराना वर्जन मेरे पास है नहीं, तो पुराना वर्जन होता तो मैं आई थिंक दिखा देता, बट नए वर्जन में ये से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम नए वर्जन की वजह से है या फिर किसी और चीज़ की वजह से, या फिर इसका टेक्सचर कुछ ऐसा ही था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट जो भी था मैंने आप सभी को दिखाया है। तो यहाँ पर एक बार और जाके हम देखते हैं कि ये एडोन हमने ठीक से अप्लाई किया था या नहीं करता। ओके यहाँ पर रिसोर्स में गए हम लोग, यहाँ पर एक्टिव है जैसे तो बैटर बेडरॉक एक्टिव है एंड बिहेवियर पैक्स में कुछ होता नहीं है, तो हमने अप्लाई कर दिया था एंड नहीं कि ये जो टेक्सचर था इसका इसने वर्क नहीं किया। आप सभी इसको डाउनलोड करो एंड देखो कि ये आप सभी क्या टेक्सचर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, करा तो मेरे को कमेंट जरूर से करना। एंड गाइस आप देख लेते हैं इसको डाउनलोड किस तरह से करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करना है एंड वहाँ से आप इसको स्टेप्स को फॉलो करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक वाइट है, अगर आप सभी को डाउनलोड करना आता है तो आप सभी कर लोगे, नहीं आता तो आप सभी कमेंट कर सकते हो, मैं आप सभी की हेल्प करूँगा। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट की जरूर से करना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए, एंड मैं बोलूँगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।